और जिले इंतजामी और समाजी हल्कों ने माप तकसीम की है और एसओपी के हवाले से बाकायदा आगाही मुहिम चलाई। मजीद जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस जैसी वबा से निजात हासिल करने के लिए जिले इंतजामिया के साथ साथ समाजी हल्के भी मैदान में उतर आए और आवाम में मुफ्त मास्क तकसीम किए। तो अवेयरनेस के लिए हम यहाँ पे पुलिस और इंतजामिया के साथ मिल के इस चीज के लिए हम सामने आए हैं। इंतजामिया के साथ अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, इसको पॉसिबल नहीं होगा ताकि हम इस चीज को आगे बढ़ा सके, क्योंकि एक मास्क एक छोटी बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी मामूली चीज है, लेकिन इसमें यह है कि अगर आप इन लोगों को देंगे, इसको अवेयरनेस देंगे, क्योंकि इन लोगों को इस चीज की अवेयरनेस जीरो है इन आवाम की, जैसे मास्क से कुछ नहीं होता है, मास्क से ही फर्स्ट आपका तकरीबन 90-95% इस चीज में से आप बच जाते हैं कोरोना वायरस से। तो इस चीज में हमें इंतजामिया के साथ 100% सपोर्ट देनी चाहिए, अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये चीज और गैर बढ़ती जाएगी। इस मौके पर जहां जिले इंतजामिया ने अवामी हल्कों के साथ मिलकर मास्क तकसीम किए, वहां एसओपीज के हवाले से आवाम को आगाही भी दी। आवाम से हमारी ये अपील है कि जो दौर चल रहा है उसमें एहतियात बहुत जरूरी है, तो एहतियात ही इसका इलाज है, तो कोशिश करें कि अगर जरूरी काम ना हो तो घर से ना निकले, मास्क के बगैर सफर ना करें, जो ड्राइवर हजरात है उनकी गाड़ी ना चलाएं मास्क के बगैर, जो सवार है उसके लिए ये दरख्वास्त है कि बगैर मास्क के सफर ना करें, फास्ट कैब रखें, समाजी फास्ट कैब रखें। ये बात हकीकत पर मबनी है कि अगर इदारे और आवाम कोरोना वायरस के खात्मे के लिए मिलकर काम करें तो इस जानलेवा वबा से बासानी निजात मिल सकती है। अब्दुल बासित, राज न्यूज़, कोहाट।